अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ दिस इंग्लिश लेक्चर। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 11, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बेटा आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी तरह सीखनी है और जो तो साथ बात बताई जाए उसके भी वर्ड्स के मीनिंग्स भी साथ सीखने हैं, प्रोनाउंसिएशन भी, स्पेलिंग्स भी और उनके मीनिंग्स भी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है एक लड़की का, वाज बोर्न, पैदा हुई थी इन फ्लोरेंस, ये जगह का नाम है जी, सिटी का नाम है। कहाँ पर है जगह? इटली में। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी? मई 12, 1820 को ये पैदा हुई थी इटली के शहर फ्लोरेंस के अंदर। व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, हर पेरेंट्स, उसके वालदैन, केम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड यूके जिसे आप कहते हैं उसका एक रियासत है, एक मुल्क है, यूके का हिस्सा है ये। तो जो इसके पेरेंट्स थे वो इटली से माइग्रेट करके इंग्लैंड आ गए जब फ्लोरेंस 2 साल की थी। शी गेंड, उसने हासिल की हर अर्ली एजुकेशन, अपनी इब्तदाई तालीम, मतलब कि जो हम प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहते हैं वो है अर्ली एजुकेशन, फ्राम हिज फादर, अपने बाप से ही हासिल की। पहले इस तरह का स्कूलिंग सिस्टम नहीं था तो लोग अपने पेरेंट्स से पढ़ते थे या फिर एक आध उस्ताद होता था और वहाँ से ही लोग सारी की सारी तालीम हासिल करते थे। फादर सेड, बाप ने कहा, लिटिल फ्लोरेंस, फादर सेड लिटिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, छोटी नाइटिंगेल, व्हेन आई ग्रो अप, फादर सेड लिटिल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, छोटी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा, ऐ अबू, ऐ वालद, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई शुड लाइक टू बी अ नर्स, मैं पसंद करूंगी कि मैं एक नर्स बनूं, लाइक अ डॉक्टर। द लिटिल गर्ल्स फादर, छोटी लड़की के बाप ने सैड कहा, माय डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, माय मतलब मेरी, डियर प्यारी, डॉटर बेटी, मेरी प्यारी बेटी, यू आर अ वीक गर्ल, तुम एक कमज़ोर लड़की हो, यू आर अ वीक गर्ल, तुम एक कमज़ोर लड़की हो, आई इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल होगा, फॉर यू, आपके लिए, टू बिकम अ नर्स, कि आप बन जाएं एक नर्स, आपके लिए नर्स बनना एक मुश्किल काम होगा, मुश्किल होगा क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी अ नर्स, नाइटिंगेल क्या जवाब दे रही है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, माई बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी टू बी अ नर्स, नर्स बनने के लिए, सेड फ्लोरेंस, फ्लोरेंस ने कहा। मेरा ख्याल है टाइम है, मोर पढ़ सकते हैं इजीली, थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। फ्लोरेंस ग्रैंड मदर, फ्लोरेंस की दादी अम्मी, ग्रैंड मदर, दादी अम्मा या नानी अम्मी को भी कह सकते हैं, लेकिन सपोज यही किया जाता है कि वो इधर रह रही है तो फिर दादी अम्मी होंगी। फ्लोरेंस इज ग्रैंड मदर, फ्लोरेंस की दादी अम्मी ने क्या किया जी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, टू सी द लिटिल फ्लोरेंस हु वाज गिविंग हर डॉल्स मेडिसिन, ये देखकर वो मुस्कुराई कि छोटी फ्लोरेंस जो दे रही है, हु वाज गिविंग हर डॉल्स, जो अपनी गुड़ियाओं को दे रही थी मेडिसन्स, दवाइयाँ, एंड पैटिंग देयर हेड्स, और थपथपा रही थी उनके सरों को, ये देखा उन्होंने कि किस तरह से वो बच्ची जो है वो अभी से छोटी बच्ची है लेकिन अपनी गुड़ियाओं को मेडिसन्स दे रही है और साथ साथ उनकी वो तीमारदारी कर रही है, पैट के मतलब होता है थपथपाना। द ग्रैंड मदर वाज सरप्राइज्ड, दादी जो हैं वो
हैरान हुई, सरप्राइज मतलब हैरान हुई, व्हेन शी कॉल्ड जब उसने बुलाया, कम फ्लोरेंस फ्लोरेंस आओ, योर मामा हैज़ गेस्ट, आपकी यो मामा आपकी मामा हैज़ गेस्ट के मेहमान आए हैं, आपकी अम्मी के मेहमान आए हैं। एंड फ्लोरेंस सेड, और फ्लोरेंस ने कहा, आई वुडंट लीव माई सिक डॉल्स, मैं अपनी बीमार गुड़ियाओं को नहीं छोड़ूंगी, मतलब कि मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती, बिकॉज दे आर सिक, दे नीड मी, इन्हें मेरी ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत, मी मेरी, तो उन्हें मेरी ज़रूरत है, दे नीड मी। तो आज के लेक्चर हम यहीं तक पढ़ते हैं बेटा, आज हमने ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ भी आप पढ़ें इंग्लिश के अंदर वो आपको ऐसे ही समझ आनी चाहिए जैसे आपको उर्दू में समझ आती है, इसलिए मैं आपको बड़े जो है आराम के साथ इसके ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, आपने भी इसको इतने ही आराम और इतने ही इन्हमाक के साथ पढ़ना है और इसको याद भी करना है। तो इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में मुलाकात होगी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।